आपके लिए एक ऐसे एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ जिसकी प्रिपरेशन पूरे इंडिया में लगभग हर ग्रेजुएट बच्चा कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेलवे एग्जामिनेशन की, RRB NTPC एग्जामिनेशन, जो कि पूरे इंडिया में बच्चे देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगती है, रेलवेज में जॉब लगती है। इनके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इनका एग्ज़ाम पैटर्न भी काफ़ी ईजी होता है, मतलब अगर आपने इसके बेसिक्स अच्छे से किए हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और इनमें सीट्स भी काफ़ी निकलती हैं। भले ही एग्ज़ाम थोड़े टाइम बाद आता है, लेकिन इसमें सीट्स भी काफ़ी आती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ये लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट मौजूद है ऑनलाइन प्रिपरेशंस करने के लिए इस एग्ज़ाम की। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने रैंकिंग वाइज सभी इंस्टीट्यूट और उनकी शॉर्ट डिटेल्स के बारे में आपको बताया है। इन इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग वाइज लिस्ट की तरफ आप एक बार देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, और सभी इंस्टीट्यूट के बारे में इंडिविजुअल वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं और एक कंबाइंड वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, और इन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उन्हें विजिट कर सकते हैं, आप उनके बारे में और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपनी वीडियो में और आगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आ गई हूँ मुंबई के थोड़ा सा दूर, लेकिन मुंबई में ही स्थित एक और बहुत ही फेमस जगह, बोरीवली। जी हाँ, बोरीवली में बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं और बहुत दूर तक ट्रैवल कर कर ये ग्रेटर मुंबई तक जाते हैं एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश में। और एक बार में बोरीवली से ग्रेटर मुंबई तक ट्रैवल करने का मतलब है डेली के 3 to 4 hours अप एंड डाउन में खर्च हो जाना, निकल जाना, जो आपका बहुत बड़ा ट्रैवल टाइम है। ये टाइम आप अपनी स्टडी में लगा सकते हैं, तो इतनी दूर तक ट्रैवल कर कर मत जाइए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप बोरीवली में रेलवे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो ये कुछ मिनट की वीडियो आपकी प्रिपरेशन को एक अलग तरीके से बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपके ट्रैवल टाइम को बचाएगी और आपको प्रिपरेशंस में बहुत ही ज्यादा नॉलेज देगी। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सक्सेस फोरम की बोरीवली ब्रांच की। सक्सेस फोरम की जो बोरीवली ब्रांचेस हैं, वो बोरीवली में रैंक नंबर 3rd पर आती हैं रेलवे के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करवाने के लिए। तो इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जैसा कि हर फेमस इंस्टीट्यूट का होता है, इनका भी स्टडी मटेरियल आपको कोर्स के साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके स्टडी मटेरियल के अलावा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको अलग से नोट्स दिए जाते हैं, जहां टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पर कैसे आप शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रिक्स आपको दी जाती हैं। उसमें में स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही यूनिक वे में पढ़ाता है, बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाता है। इनके अलावा इनकी जो फैकल्टीज हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं इनकी। इसके बाद में ये फैकल्टीज आपके डाउट सेशन रेगुलर बेसिस पर लेती हैं, यानी जब भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो टाइमली क्लियर किया जाता है आपका, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर के जा सके। तो ये इंस्टीट्यूट आपको हर वे में हेल्प करता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी यहाँ पर दी जाती हैं, और इनका फीस स्ट्रक्चर भी बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा नॉमिनल है। इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आते हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।